सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अंकित कटियार और आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन विद ग्रेवी। ये हम लोग के लिए बल्किंग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें खूब सारी होगी कैलोरीज और इसमें खूब सारा ऑयल यूज करने वाले हम लोग, और ये बल्किंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आइए चलते हैं। तो हम लोग को इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज करने हैं, तो हम लोग का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है 1 kg मीट मसाला, 1 गरम मसाला और 1 पैकेट जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हम लोग को अब लेना क्या है, हम लोग को 3 टोमेटोज लेना है और 3 प्याज तो लेनी, मिर्चा अपने अकॉर्डिंग जितना आपको कड़वा रखना हो, और मैं इसमें कम से कम अभी 10 से 15 डालने वाला हूँ अप्रॉक्स, और नमक और मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं पर मस्टर्ड ऑयल मैं ले रहा हूँ क्योंकि उसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब आगे करना है, तो अभी हम लोग करना क्या है, हम लोग को टमाटर, प्याज और जो ग्रीन चिली हम लोगों ने मिर्ची ली थी वो हम लोग को मिक्सी के जार में डाल देना है, गिर गया। और इसको अपन अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अपना इसको पेस्ट बना लेंगे और ये हम लोग के एज अ ग्रेवी वर्क करेगा। तो अभी हम लोग का पेस्ट देखो बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल पुट करेंगे। कौन सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सरसों का तेल। तो अभी अपन लोगों ने इस पर ऑयल पुट कर दिया है, तो हम लोग इसमें खड़े मसाले का यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम लोग मैं इसमें खड़े मसाले इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप तो जानते हैं मुझको बस फिटनेस से मतलब है, तो ज़्यादा झंझट तो लेनी नहीं है। तो इसमें अभी हम लोग ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे अपना पेस्ट, है ना। तो अभी हम लोग ने जो पेस्ट डाला था वो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना मीट मसाला, गरम मसाला, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए आप लोगों के लिए मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज सिर्फ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करो, प्लीज़ शेयर करना जिसको उसकी ज़रूरत हो, कोई भी बॉडी बिल्डिंग से रिगार्डिंग टिप्स चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो एक ग्रेवी कलर कुछ इस टाइप का दिखने लगा है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे, और हाँ नमक मत भूल जाना गलती से भी, तो इसमें अभी हम लोग नमक भी डालेंगे। तो ये कुछ अभी ऐसा दिखने लगा है, तो हम लोग इसमें कर रहे हैं नमक ऐड, हमने इसमें कर दिया नमक ऐड अप्रॉक्सीमेटली, आप अपने हिसाब से नमक करिए, मेरे को इतना सही लगा। तो फिर अब इसमें हम लोग इसमें चिकन ऐड करने वाले हैं, और ध्यान रखना इसको चलाते रहना ठीक है, ये नीचे से जल ना पाए, है ना। तो हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे, ऐसे मत ऐड करना हाथों से, कर लेना। तो अब इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ठीक है। लगी है ठीक है, तो अभी हम लोग करना क्या है, इसको कुक करना है 30 से 45 मिनट्स तक, है ना। तो मैं इसको करूँगा, इसको हाफ कवर कर दूंगा, तो मैं इसको हाफ कवर कर देता हूँ, हाँ इतना ठीक है। तो अभी इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी ठीक है,
इसको हर 2 से 3 मिनट में इसको चलाते रहना है। बिल्कुल चलाना बोलना नहीं, वरना जल जाएगा, नीचे जल जाएगा, टेस्ट खराब आने लगेगा, वो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हर 2 से 3 मिनट में चला देना है। इसको ओपन किया, हर 2 से 3 मिनट में, और नीचे से चलाया इसको, और देन हाफ कवर कर दिया। ठीक है, तो ये कितने देर पकेगा? 30 से 45 के बीच में पक जाएगा अपना। तो फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं बनने के बाद ये कैसा लगेगा। तो बाय। तो गाइस, हम लोग का चिकन हो गया रेडी, देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और क्या बोलते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ये गेनिंग के लिए बहुत सही है। आप लोग गेनिंग में खाइए, इससे आपका वेट भी गेन होगा। और टाटा बाय बाय, और